लाइफ इन KGBV, जिंदगी इन KGBV, KGBV के अंदर। KGBV एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर जो जिंदगी की जीवन शैली है, वहाँ कैसी ज़िंदगी गुजरती है, वहाँ कैसी फैसिलिटीज़ है, बारे में ये है। तो ये एक चिट्ठी है जो अनुष्का की मम्मी अनुष्का को लिखती है। पहले क्या लिखा हुआ है, विलेज, चिट्ठी के फॉर्मेट के हिसाब से विलेज एंड पोस्ट देविच फागी डिस्ट्रिक्ट जयपुर, डेट 15 नवंबर 2016। माय डियर अनुष्का, मेरी प्रिय अनुष्का, आई रिसीव्ड, मैंने प्राप्त की योर लेटर, तुम्हारी चिट्ठी दिस मॉर्निंग, इस सुबह। तो मैंने प्राप्त की तुम्हारी चिट्ठी दिस सुबह, ऐसे ना बोलकर इसी चीज़ को थोड़ी अच्छे तरीके से बोलते हैं कि मैंने आज सुबह तुम्हारी चिट्ठी प्राप्त की। आई एम हैप्पी दैट यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग द होस्टल लाइफ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ दैट के यू हैव स्टार्टेड, तुमने शुरू कर दिया क्या लाइकिंग, पसंद करना द होस्टल लाइफ, हॉस्टल की जो जीवन जीवन की शैली है, वहाँ जैसी लाइफ स्टाइल चलती है, वो तुम्हें पसंद आ रही है, ये जान के मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुमने हॉस्टल लाइफ पसंद करना शुरू कर दिया है, या तुम हॉस्टल लाइफ पसंद कर रही हो, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। सब एक ही बात है। एज़ यू हैव रिटन, जैसा कि तुमने लिखा, दैट के द फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन KGBV का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, जैसा कि तुमने लिखा है कि जो फैसिलिटीज़, जो सुविधाएँ प्रोवाइडेड दी जा रही है इन द KGBV हॉस्टल आर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। KGBV की हॉस्टल में जो सुविधाएँ दी जा रही है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, ये उसने लिखा चिट्ठी में। तो अनुष्का ने पहले ही चिट्ठी में ये लिखकर भेजा था अपनी मम्मी को, और उसके प्रतिउत्तर में मम्मी उसे चिट्ठी लिखकर ये सब बता रही है कि ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। एंड अप टू द मार्क, और जो सुविधाएं मिल रही हैं वो अप टू मार्क हैं, मतलब जो मिलनी चाहिए पूरी है, जो जो मिलनी चाहिए थी सभी मिल रहे हैं, अप टू मार्क सब मिल रहे हैं, सुविधा संतोषजनक भी हैं और पूरे हैं। दिस मेक्स मी फील प्राउड ऑफ माय डिसीजन। तो अनुष्का की मम्मी की डिसीजन थी, मतलब उन्होंने तय किया था कि तुम्हें हॉस्टल जाना है। तो हॉस्टल जाने के बाद जब अनुष्का खुश होती है और चिट्ठी में लिखती है कि सब सही है, तो ये उनको गर्वित करता है ये बात। तो वही लिख रही है मम्मी, दिस मेक मी, और ये जानने के बाद ये मुझे क्या कर रहा है, मेरी सिद्धांत पे गर्व आ रहा है, मुझे गर्व हो रहा है, ठीक है, गर्व दिला रहा है। पीपल लाइक अस, लोग हमारे जैसे आर रियली फॉर्चुनेट, वो बहुत ही भाग्यशाली है, सच में रियली फॉर्चुनेट, सच में भाग्यशाली, दैट के सच टाइप ऑफ एडुकेशन, इस तरह की एडुकेशन, शिक्षा विथ हॉस्टल फैसिलिटी, वो भी हॉस्टल फैसिलिटी के साथ इस प्रोवाइडेड दी जा रही है टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। किनको दी जा रही है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के उस भाग में जो मार्जिनलाइज्ड हैं, मतलब थोड़े पिछड़े हैं सोसाइटी में, यानी SC ST OBC जो पिछड़े समाज में हैं उनको दी जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दिस इज़ रियली अ ड्रीम कम ट्रू अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लाइक अस, और दिस इज़ रियली, ये सच में एक ड्रीम कम ट्रू, जैसे सपना साकार होने वाली अपॉर्चुनिटी है। सुजोग, बंगाली में अपॉर्चुनिटी यानी सुजोग, यहाँ पर होगा मौका, फॉर पीपल लाइक अस, हमारे जैसे लोगों के लिए। द गुड क्वालिटी ऑफ फूड, अच्छी गुणगत मान के खाना एंड क्लोथ्स, कपड़े इंश्योर्ड बाय देम, उनके द्वारा इंश्योर्ड की जा रही है, इज़ ऑल्सो ए ग्रेट रिलीफ, ये भी क्या है, रिलीफ, स्वस्तिदायक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा भी, अपार्ट फ्रॉम दैट बुक, किताब के आगे भी क्या क्या मिलती है, स्टेशनरी यानी और भी लिखन सामग्री और दूसरी चीज़ें जो चाहिए होती है, कलम, पेंसिल, रबर, कुछ भी, वो भी मिल रही हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी, सॉरी यहाँ से यहाँ है,
स्टेशनरी एंड ऑल अदर आर्टिकल्स, और दूसरे वो चीज़ें अदर आर्टिकल्स वो चीज़ें रिक्वायर्ड जो चाहिए होते हैं टू बी यूज इस्तेमाल करने में इन डेली रूटीन दैनंदिन जीवन में, रूटीन लाइफ दैनंदिन जीवन में जो जो चीज़ें हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होते हैं वो सब भी मिल रहे हैं और ऑल्सो प्रोवाइडेड वो भी दिए जा रहे हैं, ऑल्सो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में, मेक इट वंडरफुल स्कीम फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, मेक इट वंडरफुल, और ये क्या बना रहे हैं, मेक इट वंडरफुल स्कीम, ये एक बहुत ही सुंदर चमत्कार योजना है फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए, एडुकेशन एंड देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, एडुकेशन शिक्षा और उनके सामूहिक विकास के लिए, इम्प्रेस बाय दिस स्कीम, और इस स्कीम द्वारा प्रभावित होकर, ये प्रकल्प के द्वारा मैं प्रभावित होकर, आई एम गोइंग टू पॉपुलराइज, मैं जा रही हूँ इसे और भी सब में फैलाने के लिए जा रही हूँ, पॉपुलराइज करने के लिए जा रही हूँ, सब वो जानकार करने के लिए जा रही हूँ कि दिस कॉन्सेप्ट, ये जो प्रकल्प है, ये जो विषय है, इस विषय को मैं पॉपुलराइज करने से अमोंग द किन के अंदर, अमोंग ऑल द पेरेंट्स, उन पिता माताओं के ऑफ गर्ल्स जो लड़कियों के पिता माता हैं उनमें पॉपुलराइज करने जा रही हूँ, इन एंड अराउंड आवर विलेज, हमारे गांव में और अराउंड हमारे गांव के चारों ओर, आई हैव डिसाइडेड, मैंने तय किया दैट योर यंगर सिस्टर विल ऑल्सो अटेंड द सेम स्कूल, तुम्हारी छोटी बहन भी इसी स्कूल में दाखिला होगी या जाएगी, एज यू आर न्यू इन द स्कूल, होगा ये द स्कूल क्योंकि तुम स्कूल में नहीं हो, यू शुड बिहेव वेल विद योर सीनियर, तुम्हें अपने सीनियर बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यू शुड बिहेव यानी करना, तुम्हें व्यवहार करना चाहिए, यू शुड बिहेव वेल अच्छा विद योर सीनियर, रूममेट्स अपने कमरे में रहने वाले दूसरे दोस्तों के साथ, रूममेट्स के साथ, एंड ऑल अदर पर्सन इन द हॉस्टल, और दूसरे हॉस्टल के दूसरे लोगों के साथ, सो एज टू इम्प्रूव योर इमेज, तुम्हारी जो छवि है उनके, तुम्हारी छवि उनमें अच्छे इम्प्रूव करने के लिए और भी अच्छे निखारने के लिए, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई द वार्डन एंड HM, तुम्हें फॉलो करना चाहिए, यू शुड फॉलो, तुम्हें अनुसरण करना चाहिए, किस बात का अनुसरण करना है, इंस्ट्रक्शन जो जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन आदेश दी जा रही है गिवन बाय वार्डन, हॉस्टल में रहने वाले मेन वार्डन एंड HM हेडमास्टर के द्वारा, द वोकेशनल कोर्स ऑफर्ड देयर मे ऑल्सो बी ए ग्रेट हेल्प इन फ्यूचर, वोकेशनल कोर्स यानी कारीगरी शिक्षा, जो वोकेशनल कोर्स तुम्हें ऑफर की जा रही है, दी जा रही है, वो भी तुम्हें अपने फ्यूचर में मदद कर सकती है, ऑल्सो मे ऑल्सो बी ए ग्रेट हेल्प, बहुत ही बड़ा हेल्प कर सकती है तुम्हारी भविष्य में, सो आई विल एडवाइज़ यू टू टेक देम सीरियसली, तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि तुम्हें उसे गंभीरता से लेना है एंड टेक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़, और सारे कार्यक्रम में तुम्हें पार्ट लेना है, अंश लेना है, कॉन्डक्टेड या जो भी यहाँ पर की जा रही है, विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अंजू, अंजू के द्वारा बहुत प्यार, अंजू की तरफ से अवानिश एंड पापा, अवानिश की तरफ से और पापा की तरफ से, योर अफेक्शनली माँ, तुम्हारी स्नेहमयी माँ।